यहाँ जो कुछ होता है बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा होता है, आदमी का मशीन ज्यादा काम करती है। ये गायें हैं इंतजार कर रही है दूध के लिए, और अभी ये थोड़ी देर पहले गाना सुन रही थी ताकि आराम से खुश हो जाए। और अभी इनका देखो इधर फर्श भी डाला हुआ है, और इधर से गायें आएगी यहाँ पे दूध निकालने के लिए। ये चारा डालने की प्रक्रिया इस तरीके से मशीन से पूरा। ये छोटे बछड़ों के घर है भाई। ओहो, जोरदार जोरदार जोरदार। गोबर उठाने का काम भी मशीन ही कर रही है। इसके साथ कैसे यहाँ प्रॉफिटेबल बिजनेस बना और क्या इनकम के सोर्स है वो भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत गजब वीडियो है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ निरंजन। मैं हूँ लुलू। और अभी हम हैं चीन की राष्ट्रीय राजधानी बीजिंग में, और मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ चीन में डेयरी फार्म। ये देखिए डेयरी फार्म, मेरे चारों तरफ गायें गायें हैं। किस प्रकार से यहाँ पे गायों का डेयरी फार्म चलता है, किस तरीके से सारे टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या ऐसे इनको फीडिंग करने में काम आता है, क्या खुजली कराने में काम आता है, और क्या यहाँ मिल्क निकालने में काम आता है, वो सारी चीजें, साथ में कैसे इसे प्रॉफिटेबल इन्होंने बनाया है, मिल्क मेकिंग मशीन भी दिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा जो आज तक आपको नहीं पता होगी। तो चलते हैं मेरे साथ और चेक इट आउट करते हैं इन सब चीजों को। लेट्स गो विद मी। यह डेयरी फार्म बीजिंग से थोड़ा सा बाहर की तरफ है, और केवल संडे सैटरडे के दिन ही बाहरी लोग अंदर आकर के विजिट कर सकते हैं। और उसका सुबह निर्धारित समय होता है 9 से लेकर के 2:30 बजे तक का, और 2:30 बजे लास्ट एंट्री दी जाती है अंदर जाने के लिए। और टिकट होता है 50 RMB का, जो इंडिया के लगभग 600 रुपए का होता है। नस्ल की बात करें तो केवल एक ही नस्ल की गायें यहाँ पे मिलती है, और मिल्क प्रोडक्शन पर इनका बहुत ध्यान दिया जाता है। ये सब चीजें दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ क्या चीज देखने को मिल रही है वो है देखिए, ये मशीन के थ्रू इनको खुजलाने का काम किया जाता है। किसी को खाज वगैरह करनी होती है तो इसके थ्रू यहाँ पे चलता है। ये गायें इधर विश्राम कर रही है म्यूजिक सुनने के साथ साथ, इनके इधर स्पीकर लगा है, म्यूजिक सुन रहे और आराम कर रहे। इस तरफ देखिए, यहाँ लेके चलता हूँ, इधर आपको इनको खाना खिलाने का काम है। ये देखिए यहाँ पे गौ सेवक है जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और इस तरीके से इनको चारा खिलाया जा रहा है। ये चाइना में यहाँ की देखिए डेयरी फार्म है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इधर हैं जो बढ़िया बढ़िया फोटोज खिंचा रहे हैं गायों के साथ में। ये आप देख सकते हो इस तरफ लाइन से गायें लगी हुई है, और सब बढ़िया यहाँ पे खींच रहे हैं फोटो। और ये जो गाय है ये यहाँ पे इस तरीके से ये कुछ रखा हुआ है जिसे अपनी जीभ को भी चमका रही है, ये देखिए। और यहाँ जो कुछ होता है ना सब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा होता है। और ये तो चारे वाली है। अच्छा, इनको चारा डालना है तो इसके थ्रू चारा डाला जा रहा है इस तरीके से। ये देखो भाई, गायों को चारा डालने का काम जेसीपी मशीन कर रही है। ये भाई चाइना के अंदर इस तरीके से डेयरी फार्मिंग, यह भाई सिस्टम, आदमी काम करते हैं लेकिन मशीनें उससे ज्यादा काम करती है, सब कुछ मशीनों के द्वारा। यह देखो, यह लो यहाँ पे काम पूरा। यह देखो भाई, पूरा इस तरीके से गायें चल रही है। This is the first time I came to a dairy farm. Come with me to India. There are so many cows. Let's go. Okay, दोस्तों इधर देखो, ये है काउ डंग उठाने का काम, गोबर उठाने का काम इस तरीके से मशीन के द्वारा हो रहा है। ये देखो भाई साहब, इस तरीके से ये मशीन पूरा गोबर उठा करके इस ट्रैक्टर की ट्रॉली में डाल रही है। ये भी सिस्टम यहाँ पे जोरदार है। ये देखिए डेयरी फार्म का पूरा सिस्टम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। आगे के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, पूरा वीडियो देखना है, बीच में छोड़ के कभी भी नहीं जाना। देखो अभी इस मशीन की टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूँ, आगे चारा डालने की मशीन देखो भाई। काउस को फीडिंग करने के लिए चारा डालने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, और वो है ये मशीन। इस मशीन के थ्रू ही उनको चारा डाला जाता है, और जो चालक होता है उसके पास कंट्रोलर होता है, और वो जिस कंट्रोलर को यूज करता है इससे क्रमशः चारा धीरे धीरे नीचे आता है और इनको फीडिंग के लिए चला जाता है। ये यहाँ पे चारे का स्टोरेज हाउस है, टिन शेड के नीचे आप देख सकते हो गेहूं के और इधर बहुत सारी चीजों के यहाँ पे चारा रखा हुआ है। और अब ये जो ट्रैक्टर है इसके अंदर इसको चारे को भर दिया गया है, और अंदर एक ग्राइंडर टाइप का एक व्हील टाइप का होता है
और वो इसके थ्रू यहाँ बाहर डालता भी आगे दिखाऊंगा ये किस प्रकार से चारा डालने का काम करते हैं और ये मशीन कैसे काम करती है। अंदर चल के दिखाता हूँ, देखिए इनकी जो प्रणाली है वो किस प्रकार से, इनकी जो खाने का जो बर्तन तरीके का जो व्यवस्था है वो कैसा है। तो ये नाली जैसा यहाँ पे बना हुआ है और इसके अंदर ये ट्रैक्टर चलता है और चलते समय इसके अंदर ये ऊपर से डालता जाता है चारा और फिर पशु है वो आकर के इधर खाते जाते हैं और ये पशु जितना गोबर करते हैं उसको उधर ट्रैक्टर उठाता है एक साथ में। लुलु ने जिंदगी में पहली बार गाय देखी है, इस वजह से इसके लिए बहुत आकर्षक का विषय बना हुआ है और वो इनके साथ बहुत अच्छे से खेल भी रही है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो पहली बार गाय देख के बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और कुछ लोग यहाँ फोटो शूट कराने के लिए आते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हो टिकट रखी है इन्होंने इंडिया के 600 रुपए और जो लगभग 50 आरएमबी की होती है। और यहाँ देखिए गाय का दूध निकालने के लिए गाय खड़ी है और सामने धीरे धीरे करके ये आगे जाएगी। आगे इस चीज को मैं फिर से डिटेल से दिखाऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि इनका किस प्रकार से दूध निकाला जाता है और ये सारा सिस्टम। इसका रास्ता इधर से दिया गया है, इधर भी बहुत सारे काउज है जिनको आप देख सकते हो और एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज दिखाऊंगा। फॉलो सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए, कमेंट करना नहीं भूलना है कि आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं और यहां की क्या टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। यहां देखिए ये पूरा दूध निकालने की प्रक्रिया चल रही है। ये काउज है वो आकर के यहां पे खड़ी हुई है और इनका पूरा सिस्टम बाय सिस्टम इधर चल रहा है। अंदर की तरफ क्या क्या हो रहा है वो आपको थोड़ा डिटेल से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए पूरा मशीन के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है और अंदर एक व्यक्ति है जो इन सारी काउज के दूध निकालने के लिए यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से देखो पूरा काउज का दूध है आराम से यहाँ पे निकाला जा रहा है और ये जो बच्चे हैं ये इनको देख करके बड़े खुश हो रहे हैं और इनको पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पे काउज का दूध निकाला जाता है और ये गाय का दूध निकालने के बाद कैसे प्रोसेसिंग होती है। दूध निकालने की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो आगे की वीडियो में दिखाऊंगा, अभी तो शॉर्ट में दिखाया मैंने। आपका नाम, आपके शहर कस्बे का नाम जरूर कमेंट में लिखिए और कोई भी आपका भाई जो किसानी से संबंधित है, खेतीबाड़ी से संबंधित है या डेयरी से संबंधित है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि यहाँ की तकनीक कैसी है। जंकर में डाल के मिल्क को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी यहीं होता है, तुरंत यहीं से डायरेक्ट वहां से निकलने के बाद इसके अंदर इसको भेजा जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ देखने को है, समझने को है और इनको अलग अलग तरीके का चारा भी खिलाया जाता है। देखिए इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसको अलग तरीके का चारा दिया जा रहा है और इधर बच्चे जो भी है वो बड़े खुश हो जाते हैं। ऊपर पंखे लगे हैं ताकि इनकी यहाँ पे जब गर्मी का समय हो और मक्खियाँ वगैरह होती है तो इन सबसे इनको बहुत ही बढ़िया से मज़ेदार रखा जा सकेगा। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है इस वीडियो पे तो मैं आपके लिए खेती के सस्ते और आधुनिक उपकरण की फैक्ट्री भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे गाय है वो अपनी जीभ का स्वाद ले रही है रॉक सॉल्ट को चाट के, कान के अंदर टैग लगा करके इनके पूरे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, इनकी ब्रीडिंग का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। मच्छर मक्खी और गर्मी से बचने के लिए पंखों की विशेष व्यवस्था होती है। संडे सैटरडे के दिन अनेकों पर्यटक यहाँ पे आते हैं और बच्चों को साथ में लाते हैं। अभी मैं सेक्शन में लेके आया हूँ यह छोटे बछड़ों का सेक्शन और यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं और छोटे बछड़ों को ये दूध भी पिलाते हैं साथ में खाना भी खिलाते हैं। तो देखो ये जो छोटा बच्चा मेरे सामने है आप देख सकते हो ये बाकी छोटे बछड़ों के साथ खेल रहा है और यहाँ खुशी का आनंद ले रहा है। तो इस छोटे बछड़े से और इन बच्चों से दोनों से बातें करेंगे थोड़ी सी। देखो भाई वासे दोनों कितने क्यूट क्यूट दिख रहे हैं। ये छोटा बच्चा देखो छोटे बच्चे को खिलाने का प्रयास कर रहा है। Let me feed. लुलु कह रही है कि मुझे खिलाना है बच्चे को। गाय माँ कह रही मेरा अंगुली खा जाता अभी। दोस्तों यहाँ का जो टेक्निक है ना ये देखो आपको दिखाता हूँ। छोटे बच्चों को रात में सोने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, ठंडी से, बारिश से और ऐसे चीजों से बचाने के लिए अलग से यहाँ छोटे छोटे इनके मकान बनाए गए। आप देख सकते हो लुलु चेक खंजिला हन खाए चाउजी खाए। एक में पीने का और एक में खाने का इनको ये खिलाया जाता है। ये देखो ये है इनके खाने का। इसके जस्ट बगल में ये थोड़े से बड़े वाले बच्चों का
और ये यहाँ पे लकड़ी और टिन सेट का बना है, इसमें थोड़े से बड़े बच्चे हैं और इसके पीछे भी ठीक ऐसे ही है। और इधर देखिए गाय हैं, इनको पशुपालक है जो इनको बढ़िया से घुमा फिरा रहे हैं। ये वाला सिस्टम भाई यहाँ का। और इस तरफ भी देखो छोटे बच्चों को बड़ा आनंद आता है यहाँ इन सब के साथ घूम करके। और ये देखो ये दिखाता हूँ, ये भी एक फैमिली इधर आई हुई है और ये सब छोटे बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके मनोरंजन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया आनंद कर रहे हैं छोटे छोटे बालक। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे सब आनंदित महसूस कर रहे हैं। अंदर चलते हैं, उस तरफ का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों और अंदर की तरफ क्या चीज़ है। यहाँ अलग अलग माहौल है हर जगह का। ये देखो इधर भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय को बोल रहा बाय बाय। और ये देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक का विषय हो तो 600 रुपए देकर के लोग अंदर आते हैं और गायों के साथ इस तरीके से अपना घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। संडे सैटरडे को केवल एक घंटे के लिए ये होता है। ये देखो इंडिया में भी ऐसा किया जा सकता है, जितनी भी गौशालाएं हैं उनके अंदर टिकट रखी जाए और लोगों को आकर्षित करके यहाँ पे बुलाया जाए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, मेरे पीछे गायों को चारा डालने का काम हो रहा है। ट्रैक्टर आ रहा है और इसके अंदर चारा है, चारे से भरा हुआ ये ट्रैक्टर है। और अब देखें किस तरीके से ये चारा डालेगा, वो सारा सिस्टम आपको क्रमशः दिखाऊंगा। देखें यहाँ क्या है, एक आदमी बैठ के ट्रैक्टर में वो सारा काम कर लेता है। और यहाँ आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्ति की नहीं बल्कि अलग अलग मशीनों की आवश्यकता होती है। अब ये जो वाहन चालक है उसके हाथ में कंट्रोलर है और वो जैसे ही कंट्रोलर को दबाएगा तो यहाँ देखे इस तरीके से चारा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और फिर देखे धीरे 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 ये लोग जितने भी पशु हैं ये आकर के इसको खाना शुरू कर देंगे। और ये ट्रैक्टर का स्पेशली यूज इसी में किया जाता है। धीरे धीरे देखिए चारा आ रहा है और नीचे जो इस तरीके से नाली टाइप का बना हुआ है उसके अंदर पूरा चारा डल गया है और अब ये ट्रैक्टर धीरे से आगे निकल गया। और पूरे डेयरी फार्म में केवल ट्रैक्टर से ही चारा डालते हैं, ऐसा नहीं कि हाथों से ला करके कहीं डाला जा रहा हो। तो यहाँ देखिए पहले अंदर की तरफ इन्होंने चारा डाला और अब यहाँ बाहर की तरफ ये कर रहे हैं। मशीन के अंदर की जो प्रोसेस है ना वो दिखा देता हूँ कि ये जो चारा है वो किस तरीके से बाहर आ रहा है, एक्चुअली इसका मैकेनिज्म क्या है। लुलु कैसा लगा? मजा आया। लुलु को हिंदी भाषा आने लग गई है। You are very intelligent. You're a good teacher. Come on. जो गोबर होता है उसको इधर लाके रखा जाता है और फिर उसको वहां से ला करके ये जेसीबी एक जगह यहाँ इकट्ठा कर देती है। ये सिस्टम है इनका गोबर को संरक्षित करने का, एक जगह खाद के रूप में इकट्ठा करके फिर काम में लेने का। डेयरी फार्म के साथ साथ कुछ एग्रीकल्चर चीजों को भी यहाँ यूज किया जाता है ताकि फार्म की इनकम को बढ़ाया जा सके। साथ में जो बड़ी मशीनें हैं उनकी लागत ज्यादा होने पे कई छोटी जगहों पे ये छोटी मशीनें जो आजकल बहुत प्रचलन में है इनको यूज किया जाता है। ये एक तरीके का छोटा ट्रैक्टर है, नीचे आप देख सकते हो इसके यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं इसकी वजह से यहाँ की जो जमीन है उसको अच्छे से खोदा जा सकता है और बढ़िया से काम में लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ये यूज में करते हैं और यहाँ की जमीन पे ज्यादा पैदावार प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से हम भारत में गाय के मूत्र और गाय के मल को यूज करके खाद का प्रयोग करते हैं और पेस्टिसाइड में यूज करते हैं, वैसे ही देखिए यहाँ पे गाय के मूत्र का संरक्षण किया गया है और इसको यहाँ होने वाली खेती में एज ए पेस्टिसाइड भी काम में लिया जाता है। पुरानी गाय के जाने से लेकर नई गाय के आने तक दूध की क्या प्रक्रिया होती है वो आपको दिखाता हूँ। पूरा वीडियो देखना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना, फुल सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए दोस्तों। यहाँ देखे जो पुरानी गायें जिनका दूध निकल चुका है वो जा रही है और इनके साइड में नई गायें आएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ साफ सफाई की जाती है। पूरा ऐसे गोबर वगैरह कुछ भी हुआ है तो उसको क्लीन कर दिया जाता है। ये गायें हैं इंतजार कर रही है दूध के लिए और अभी ये थोड़ी देर पहले गाना सुन रही थी ताकि आराम से खुश हो जाए। और अभी इनका देखो इधर फर्श भी डाला हुआ है और इधर से गायें आएगी यहाँ पे दूध निकालने के लिए। तो जैसे नई गाय आती है उससे पहले पूरा इसे धो धुपा करके इसको तैयार किया जाता है, एकदम क्लीन कर दिया जाता है। और अब देखिए उधर डोर खोल दिया है, सिंक खोला और अब देखो ये डोर खोला है और वो बहन जी अंदर गई है और वो उधर से गायें इधर अंदर भेज रही है। तो ये देखो एक एक करके गायें इधर आके खड़ी हो जाएगी और उधर भी आ रही है गायें। और देखिए इस तरफ से ये गायें आ रही है, जो बहन जी हैं
वो गायों को अंदर भेज रही है। और ये देखे, एक एक गाय आकर के यहाँ पे सिस्टम बाय सिस्टम खड़ी हो जाएगी। ये देखो, सबसे पहले इनके थनों को धोया जाता है और धोने के बाद में कपड़े से पोंछा जाता है, और यह प्रक्रिया हर गाय के साथ की जाती है। यहाँ साफ सफाई के लिए पूरा थोड़ा ध्यान रखा जाता है, हाइजीनिक तरीके से उसको करते हैं, हालांकि हर जगह ऐसा होता है। ये देखिए, इस तरीके से इसके स्तन पे थोड़ा लगाते हैं और फिर इसका थोड़ा सा दूध निकाला जाता है अपने हाथ से दबा करके, और उसके बाद में ही यहाँ पे मशीन को इसके ऊपर लगाया जाता है ताकि दूध आसानी से निकल सके। दोस्तों यहाँ डिफरेंस क्या है, जैसे हम इंडिया में गाय को आगे भेजना है तो बोलते हैं चल आगे चल आगे चल, यहाँ बोलते ओ ओ। ये देखो उधर जो लेडी है बोल रही ओ, तो ये आगे जा रहे हैं। और अभी ये ना दिन में इधर खड़ी थी तो इनका यहाँ पे जो कचरा है, जो इनका गोबर है, ये सब आ गया, और वो पीछे जो ट्रैक्टर आ रहा ना वो इनका पूरा गोबर है उसको यहाँ से हटा के एक जगह इकट्ठा कर देगा। ये देखो ऐसे, तो ये जैसे जैसे पीछे आ रहा है ये यहाँ से पूरा लेके जा रहे हैं इसको। लो इन इंडिया जस्ट लाइक एंड इन चाइना वहां पे गायें आराम करती है, दिन में खाना वाना चारा वगैरह खाती है। उसके बाद में जैसे जैसे गायों का नंबर आता है उसको इस गैलरी में छोड़ दिया जाता है, और यहाँ गैलरी में वो आराम से लोगों के साथ बातें करती है, घूमती फिरती है। इसे मजे का जो समय होता है वो यहाँ पे होता है इनके एंटरटेनमेंट का, और फिर जैसे जैसे नंबर आता है वहाँ पे इनका दूध निकाला जाता है। यहाँ की इनकम को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया निकाला, और यहाँ पे कुछ लोकल लोगों को ये फार्म लैंड है उसको रेंट पे देने का भी काम किया। Why people pay and they do agriculture here in the Beijing? It's very busy life here. Yeah. And a lot of people wish to experience rural lives, and they wish to came to a farm and grow their own vegetables, which are organic and healthy. So they're willing to pay. If you pay, let's say 2,000 RMB, and the farmers will provide you with technical guidance, free fertilizer, and also irrigation waters, and also you can play with inside of the farm. Wow. So they have mentioned all the things here, right? Yes, In Chinese they have said like a free Wi-Fi, free seeds, free machines, yeah, right? Yeah. And the free support also, like if they need something they can guide also, huh? Yes, agriculture machines. It's like an entire package. For city folks who wish to enjoy rural life. और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोकल प्रोडक्ट से बनती है, यहाँ पे बैक्ड होती है और उनको बेचा जाता है, जो आने वाले लोग हैं वो उनको खरीदते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डेयरी फार्म में यूज होने वाली तकनीक और डेयरी फार्म को कैसे मैनेज किया जाता है, प्रॉफिटेबल बनाया गया है चाइना में, वो सब दिखाया। दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए जिसमें डेवलप्ड विलेज दिखाए हैं, यहाँ की ड्राइवरलेस टैक्सी दिखाई है, मेट्रो स्टेशन दिखाया और बहुत सारी चीजें दिखाई। आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जरूर देखें। ये वीडियो कैसा लगा और नया आप क्या देखना चाहते हो, आपका नाम और आपके कस्बे का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नए वीडियोज के लिए फॉलो सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए ताकि अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।